भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जिनकी गिनती विश्व भर के सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों में होती है। कहा तो ये भी जाता है कि उनके पास इतनी डिग्रियां थीं कि एक सामान्य आदमी एक सांस में उन्हें बता नहीं सकता, उनका वर्णन नहीं कर सकता। अंबेडकर चौक शिमला से कुछ दूरी पर विधानसभा के समीप स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य पुस्तकालय, जिसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुस्तकालय में, और हम सब जानते हैं कि आम लोगों के जीवन में तो पुस्तकों का महत्व होता ही है, मगर विद्यार्थियों के लिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है, और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं ये जानने के लिए कि ये पुस्तकालय किस प्रकार की सुविधाएं देता है और युवा किस प्रकार से इसका लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले जब हम इस पुस्तकालय में आते हैं तो रिसेप्शन एरिया में हमारी मुलाकात होती है इन मैडम से। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। सीमा कश्यप। सीमा जी, आप किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ पे? मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पे। जी, तो एंटर करते ही आपके दर्शन होते हैं युवाओं को, विद्यार्थियों को, तो आप क्या कुछ काम करती हैं यहाँ पे, क्या कुछ करती हैं? कार्ड बनाने का काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट आता है, जो यहाँ का मेंबर बनने चाहता है, उसको पहले आपसे रابطہ कायम करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आप उससे, एक स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सपोजिंग मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपकी लाइब्रेरी का सदस्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी? सर, अगर कोई मेंबर बनने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उन्हें एक फॉर्म भरवाते हैं, साथ में फिर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरा करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद सर वो मेंबर बन सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, दो फोटोग्राफ और 200 लाइब्रेरी सिक्योरिटी लगती है। तो इसमें कितना प्रोसेस लगता है? अब सर प्रोसेस कुछ नहीं, जब बच्चा ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली तो 5-10 मिनट में कार्ड बन जाता है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई अंदर जाके शुरू कर सकता है। आप यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? सर मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे, और युवाओं में बहुत जोश है, हमारे पास एक दिन में 30-35 तक कार्ड बन जाते हैं। तो आपको अपना ये कार्य अच्छा लगता है, युवाओं की मदद करना? नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, बच्चे बहुत आए, हमारे को तो अच्छा ही लगता है। हाँ जी। तो क्या कुछ खास सुविधाएं हैं इस लाइब्रेरी में आपकी नज़र में? सर सुविधाएं बच्चों के लिए बहुत हैं, जैसे सर्दियां हैं तो आजकल हीटिंग सिस्टम भी है, पानी के लिए भी है, बैठने के लिए भी पूरी फैसिलिटी है। इससे पहले हमारे ब्रांच, मेन ब्रांच रिज पुस्तकालय होती थी, जो अंग्रेजों के टाइम से चल रही थी, उसके बाद MC ने उसे अंडरटेक टेक ओवर किया और 10 अप्रैल 1986 को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसे अपने हाथ में लिया। तब के बाद ये लाइब्रेरी रिज भवन में चल रही थी, उसके बाद बच्चों की संख्या को, पाठकों की संख्या बढ़ते बढ़ते जब हमारे को बिल्डिंग की दिक्कत आई तो इस यहाँ नई बिल्डिंग बना के इसकी स्थापना हुई। अभी 1.5-2 साल से ये नई बिल्डिंग चल रही है, और एक ब्रांच हमारी रिज भवन गांधी भवन लाइब्रेरी है जो इवनिंग कॉलेज में स्थापित है, 120 बच्चों की कैपेसिटी हमारी वहाँ पर है और 120 ही बच्चे हमारे रिज भवन लाइब्रेरी में बैठते हैं, और यहाँ पर बड़ी बहुमंजिला इमारत है, यहाँ पर हमारे 600 के लगभग कैपेसिटी है बच्चों को बैठने की। नई बिल्डिंग में पाठकों के लिए सब कुछ मुहैया है, बिजली, पानी, इंटरनेट और सारी सुविधाएं। पहले जब पुरानी बिल्डिंग होती थी वहाँ पे सिर्फ बैठने की 120 और 150 के लगभग कैपेसिटी होती थी, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास होते थे। हमारे पास इस टाइम लगभग 28,000 मेंबर्स हैं लाइव मेंबर, हमारे पास इस टाइम 14,150 मेंबर लाइव मेंबर्स हैं। कितनी पुस्तकें आपके पास हैं और बच्चे, युवा किस तरह से उनका लाभ उठा रहे हैं? हमारे पास तीनों सेक्शनों में कुल मिला के 78,150 किताबें हैं, जिसमें से 45,000 के करीब अंबेडकर लाइब्रेरी में बुक्स हैं, 28,075 बुक्स हमारे पास गांधी भवन लाइब्रेरी में है जो रेयर बुक्स हैं। इसके अलावा एक हमारा चिल्ड्रन सेक्शन है रिज लाइब्रेरी में, 8,000 के करीब बुक्स वहाँ पर हमारी है, और बच्चे भरपूर बुक्स को इशू को रिटर्न करते हैं और किताबों का पूरा लाभ उठाते हैं। रेयर किताबों की आपने बात की, तो कितनी ऐसी किताबें हैं आपके पास जो बहुत पुरानी हैं, पुराने समय से जिनका संबंध है? तकरीबन जो हमारी गांधी भवन में 28,075 बुक्स है वो अंग्रेजों के टाइम की बुक्स हैं, पहले ओरिज लाइब्रेरी में होती थी, जब हमारे पास वहाँ पे संख्या बढ़ी तो उसको हमने 28,000 बुक्स को शिफ्ट कर दिया गांधी भवन में, वो सारी रेयर बुक्स है हमारे पास। जी,
अच्छा, ये बताएं कि समय क्या रहता है इस लाइब्रेरी का, ये कब खुलती है और बंद कब होती है? पहले तो लाइब्रेरी का समय 10 से 5 ही होता था, पर 5-6 साल से लाइब्रेरी का समय बढ़ा दिया गया था और उसको गर्मियों में 8 सुबह मॉर्निंग 8 बजे से और शाम को 8 बजे तक कर दिया गया था, और सर्दियों के मौसम में ये लाइब्रेरी 8:30 बजे मॉर्निंग और शाम को 6:30 बजे तक खुलती थी। कुछ दिनों पहले से लाइब्रेरी का समय सुबह 7 बजे से और शाम को 8 बजे तक हो गया है। इतना लंबा समय जो है, इसे आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या विद्यार्थी पूरे समय रहते हैं यहाँ पर इस समय का सदुपयोग करने के लिए? विद्यार्थी तो मैक्सिमम 24 घंटे की डिमांड भी करते हैं, पर आजकल ठंड के मौसम में जैसे दिक्कत आती है तो बच्चे लड़कियां मैक्सिमम 5 बजे के बाद निकल जाती है और बॉयज 6:30-7 बजे तक बैठते हैं। स्टाफ को लेके हमारे पास दिक्कत है क्योंकि लाइब्रेरी 2 शिफ्टों में चलती है। मॉर्निंग वाले हमारे पास 7 बजे आते हैं, वो 2 बजे ऑफ करके चले जाते हैं, और इवनिंग शिफ्ट वाले 1 बजे आते हैं तो वो शाम को 8 बजे तक अपनी ड्यूटी देते हैं। तो इसको लेके हमारे को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लेडी स्टाफ है, 80% हमारे पास लेडी स्टाफ है, तो उसको लेके बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि ये इमारत जो है, ये भवन जो है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो क्या यहाँ पर जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, या कई लाइब्रेरीज में फोटोकॉपी करने की सुविधा रहती है या कंप्यूटर्स रहते हैं, वो सब यहाँ पर लग चुके हैं या अभी कुछ कमी बाकी है? कंप्यूटर्स को लेके पहले प्रोसेस चला था, अभी बिल्डिंग को बने हुए 2 साल हुए हैं तो वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बजटिंग की दिक्कत के कारण हमारे कंप्यूटर नहीं लगे हैं, बाकी सेक्शन कंप्लीट है, इंटरनेट सुविधा सभी टेबलों पे है, अदर पर जब तक कंप्यूटर नहीं आते तब तक ये सुविधा हमारे पास नहीं है। बाकी लाइब्रेरी पूरी तरह से बुक्स और जितनी भी है पूरी तरह से कंप्यूटराइज है, बच्चों को पाठकों को कोई भी दिक्कत उसमें उसको मैनेज करने में, उसको लेने में देने में, या स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ये बताएं, 6 तल हैं, 6 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के, तो उन सभी फ्लोर्स में क्या क्या कुछ आपने रखा है? हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे बच्चों के पाठकों की सुविधा के लिए कैंटीन चलाई है हमने। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में एक कंप्यूटर हॉल है बच्चों के लिए, उसके अलावा एक बाइंडिंग सेक्शन है और एक रीडिंग हॉल है। सेकंड फ्लोर में हमारे पास गवर्नमेंट ने जब नई बिल्डिंग बनी थी तो गवर्नमेंट ने लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट को वो फ्लोर दिया है जिसमें लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, वो रन कर रही है। उसके बाद हमारा थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे हमारे पास रीडिंग हॉल्स भी है और साथ में हमारा मेन सेक्शन है जहाँ पे हमारी सारी बुक्स रहती है, जहाँ से इशू रिटर्न होता है हमारा। उसके बाद हमारे 2 रीडिंग हॉल्स है फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे, वहाँ पे रीडिंग हॉल के साथ साथ फिफ्थ फ्लोर पे हमारा ऑफिस भी है और टेक्निकल सेक्शन भी है। उसके बाद टॉप फ्लोर है हमारा एक, उसमें रेफरेंस सेक्शन है जिसमें कंपटीशन को लेके बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन सारी बच्चों के लिए उपलब्ध रहती है। यह है इस पुस्तकालय का टेक्निकल सेक्शन। इस विभाग में क्या कुछ होता है आइए जानते हैं, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा देवी जी। कृष्णा देवी जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे कि इस टेक्निकल सेशन में क्या कुछ सेक्शन में क्या कुछ होता है? यहाँ पर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से हमें कोलकाता से बुक्स आती हैं, तो यहाँ पे बुक्स की एक्सेशनिंग, क्लासिफिकेशन, बुक नंबर कार्ड और कंप्यूटर पे जो है उनका पूरा डाटा फीड किया जाता है। उसके बाद हर सेक्शन में बुक्स हम भेज देते हैं, जैसे चिल्ड्रन सेक्शन है, हमारा मेन सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शन है, तो उनमें हम यहाँ से सारा कुछ करके बुक्स भेजते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी है? जी, यहाँ पे हमारे पास सोल सॉफ्टवेयर है, तो उसी पे हम ये जो है बुक्स का डाटा फीड करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी किताब को ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ सकता है? सर, जो हमारा रीडर्स अप्रोच करता है, जैसे ऑथर है, टाइटल, सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम उन्हें सर्च करवा देते हैं बुक्स की। यह है लाइब्रेरी का रेफरेंस सेक्शन। इस सेक्शन में बहुत ही खास किस्म की पुस्तकें उपलब्ध हैं, इस बारे में हमें जानकारी देंगी कुसुम। कुसुम जी, आप हमारे साथ हैं, बताइए सेक्शन की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे लगभग यानी कि 5,000 किताबें हैं, जो यानी कि काफ़ी यानी कि जो कॉस्टली बुक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो यानी इनकी डिमांड रहती है, जो ये लिस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा बजट आता है तो ये किताबें वैसी ही सेंक्शन होती हैं, और बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव यानी बुक्स होती हैं तो वो यहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास यानी कि 12 के करीब न्यूज़पेपर भी अवेलेबल हैं, और प्लस यानी यहाँ पे हम जो लेटेस्ट जितनी भी मैगजीन्स हैं वो भी हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि बच्चे यहाँ पे आएं और अपना फ़ायदा उठा सकें ये सारी पढ़ के। और बस एक जो सबसे जो मेन चीज़ है इस सेक्शन की वो ये है कि यहाँ पे बच्चों को जो अपनी पुस्तकें हैं जो वो यहाँ पे लाना
मना है, फॉरबिडन है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे पहले से ही यानी कि जो इतनी जो कॉस्टली बुक्स हैं अवेलेबल हैं, तो अगर बच्चे यानी कि यहाँ पे अगर अपनी बुक्स भी लेके आते हैं तो वो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा मनाही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बुक्स है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो किताबें हैं वो इस तरह की किताबें हैं जिन्हें बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं मगर वो इशू करवा के घर नहीं ले जा सकते। हाँ जी सर, बिल्कुल कॉस्टली बुक्स होती हैं और उनकी एक एक दो दो कॉपियाँ होती हैं तो, और महंगी भी होती हैं, तो इसलिए फिर हम उनको इशू नहीं कर सकते। इशू रिटर्न का जो है हमारे पास जो एक और यानी कि जो है सेक्शन वो नीचे है, वहाँ से बच्चे यानी इशू रिटर्न करा सकते हैं। ये जो फ्लोर है, ये जो तल है, ये समर्पित है भाषा व कला अकादमी को। इसमें हिमाचली कला संस्कृति और जो हमारी लोक संस्कृति है उससे संबंधित पुस्तकें और पुराने मैन्युस्क्रिप्ट, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुरानी पुस्तकाएं, उनके मैन्युस्क्रिप्ट, उन पर कार्य किया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त एक साहब हैं जो हमें विस्तार पूर्वक इस बारे में बताएंगे। अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा शुभ नाम अनिल कुमार है। यहाँ पे आप मेरे पीछे साथ में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिख रहे होंगे कि जो बहुत ही पुराने हैं, तो तकरीबन इनकी कलेक्शन जो है 500 से अबव है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की जो कलेक्शन है 20,000 से तकरीबन है यहाँ पे। यहाँ पे बासन कला अकादमी की तरफ से कुछ साहित्यकार होते हैं उनको प्रमोशन के लिए यहाँ से कुछ रेमुनरेशन अमाउंट दिया जाता है कि जिसके यहाँ पे जो कला अकादमी से जो पर्सन जुड़े हुए हैं उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके। हम लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत ही मेधावी किस्म के छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं। और फिलहाल हमने डिस्टर्ब किया है एक छात्रा को इनसे बात करने के लिए। हमारे साथ हैं प्रियंका, यही नाम है आपका? यस सर, प्रियंका। प्रियंका कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं बेसिकली रोहडू से हूँ। सबसे अच्छी बात रोहडू के बारे में क्या है? सर कल्चर हमारा और फूड, वो दोनों ही बहुत फेमस। खाने में क्या अच्छा है वहाँ का रोहडू का? आपको क्या अच्छा लगता है सबसे? सर बाड़ी। बाड़ी, अच्छा वो क्या रहते हैं? सर वो एक्चुअली एक तरह से आटे का बनाते हैं हम, वाटर के साथ बॉयल करके, डोल तरह का, बट वो बॉयल करके ही बनता है। और उसको हम घी, शहद ऐसी चीज़ों के साथ खाते हैं। वो मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है। बेसिकली जो मैं पसंद करती हूँ वो गुड़ वाला बाड़ी होता है। अच्छा। तो वो मेरा फेवरेट है। क्या बात है, बहुत खूब। तो आप अपने रोहडू से इतनी दूर शिमला प्रॉपर में यहाँ पर आई हैं, किस प्रकार का अनुभव है और ख़ास तौर पर यहाँ पर पढ़ना इस पुस्तकालय में? सर मैं यहाँ पे वैसे बेसिकली मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, आई शेड्यूल से, HPU से। तो साथ में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करी हुई है क्योंकि मैं कमीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने GPT करा हुआ है। तो मैंने लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि एक तो यहाँ पे माहौल मिल जाता है सबसे पहले पढ़ने के लिए, और बुक्स हमें प्रोवाइड हो जाती हैं इजीली, वरना अगर मार्केट से लेने लगो तो मटेरियल ही नहीं पता चलता। यहाँ पे टीचर्स हेल्प कर देते हैं, जो स्टाफ है लाइब्रेरी का, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे बाकी के भी स्टूडेंट्स हैं जो सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी प्रोवाइड है हमें, 3-4 तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी हम पढ़ना चाहें। वो अगर मैं स्पेसिफिकली घर पे पढ़ रही होती, मतलब एक एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता अगर मैं 3-4 तरह के न्यूज़पेपर लेके आऊँ। तो यहाँ पे हमें वैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है और सेटिंग भी बहुत अच्छी है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सारे युवा हैं इस वक्त जो पुस्तकों में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। सर मेनली यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे रीडिंग करते ही हैं, बुक से भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं, तो मोस्टली बुक से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जो हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए होते हैं वो हम स्पेसिफिक बुक्स ही लेते हैं, तो बुक से पढ़ना इजी होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं अगर पर्सनली सिर्फ गैजेट्स ही यूज़ करूँ तो ध्यान भटक जाता है बीच में, कभी लगता है कि कोई वीडियो प्ले कर लो, या अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ तो कोई ऐड आ गई तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर फ़न कर लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बुक्स मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहती हैं क्योंकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक की बुक उठाऊँ तो उसमें नोटेड भी रहता है मैंने कल क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ूंगी, कहाँ से आगे मुझे करना है। अगर मैं नेट से करूँ तो फिर 3-4 टॉपिक उसमें और दिख जाते हैं, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे लिए रीडिंग हैबिट ज़्यादा बेटर है। आपने बताया कि आपके क्षेत्र की रोहडू की कल्चर जो है वो बहुत अच्छी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोगों को या नृत्य में या गाने में रुचि होती है, कि आपको भी ऐसी कोई हॉबी या रुचि है?
सर ऐसे पर्टिकुलरली तो मुझे हैबिट नहीं है सॉन्ग्स या डांस की, बट जहाँ माहौल बन जाता है जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं तो उसमें जो मेला वगैरह लगता है उसमें मुझे बहुत रुचि है, मतलब पहाड़ी सॉन्ग्स एंड डांस जो होते हैं जात्रे। अपना नाम बताइए। अभिषेक सर। अभिषेक, अभिषेक आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू से, तहसील रोहडू से रहने वाला हूँ। तो क्या इस लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग रोहडू के ही हैं? नहीं सर, ऑल ऑफ जितने भी 12 जिले हैं सर, मैक्सिमम सारे हिमाचल के जितने 12 जिलों से। तो आपकी नज़र में आपके प्रदेश के बारे में, रोहडू के बारे में सबसे खास बात क्या है? हमारी जो विशेषता है सर रोहडू के लोगों की, पोलाइट है सर, बहुत भोले वाले लोग हैं, हर जो भी मिलेगा तो उसको अपना बना लेते हैं सर। हाँ जी। तो इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं और किस प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर? सर अप्रॉक्सीमेटली एक साल से यहाँ लाइब्रेरी में आ रहा हूँ, 2000 लॉकडाउन के बाद, 2020 के बाद मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहा हूँ सर। यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है वो बहुत ही, क्योंकि आप अगर यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर रहे हो, जो कंसंट्रेशन जो रूम पे नहीं बन पाती है वो लाइब्रेरी में आके यहाँ बन रही है सर। और जो टोटल जितनी भी बुक्स आप देख रहे हो यहाँ खड़े इसमें रेफरेंस हॉल में देख रहे हो, जितनी बुक्स है वो यहाँ प्रोवाइड मिल जाती है। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करता है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्या शेड्यूल रहता है, क्या टाइम टेबल रखा है आपने, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जब लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये किया कि हमारी जो फंक्शनिंग लाइफ में फंक्शन हो गया, सुबह 5 बजे उठना है, 7 बजे यहाँ पहुँचना है, शाम को 8 बजे तक यहीं रहना है, तो मतलब डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन की जो लॉकडाउन जब हुआ था सर, जब घर पे थे तो 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, तो जब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो एक फंक्शनिंग हो गया कि एक एक्टिव हो गया सर जी। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ। सृष्टि कहाँ की, प्रॉपर शिमला की हैं? मैं वैसे ठियोग से हूँ लेकिन मैं काफ़ी सालों से शिमला में ही रह रही हूँ। तो आप शिमला में इतनी देर से रहकर क्या कुछ कर रही हैं? मैंने LLB किया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और अब मैं LLB की ही पढ़ाई कर रही हूँ आगे। तो लॉ से रिलेटेड तो बहुत कुछ है शिमला में, एक जुडिशियल अकेडमी भी है और नेशनल लॉ स्कूल भी है, तो आपने लॉ को क्यों चुना, कानून की पढ़ाई को ही क्यों चुना? और इस वक्त हम ये भी बता दें कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में हैं, वो खुद एक कानूनविद थे, शिक्षाविद तो थे ही, पर हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको उन्होंने ड्राफ्ट किया, उस कमेटी के वो हेड थे। तो कैसा लगता है इस पुस्तकालय में आके पढ़ना और आपने लॉ ही क्यों चुना? मुझे लगता है कि हर सिटीजन को अपनी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके अधिकार के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा तरीका है लोगों की मदद करने का भी, इसलिए मैंने लॉ को चुना। तो आप एक वकील बनना चाहती हैं ताकि लोगों की मदद, वकील तो हैं आप जी, पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रही, पढ़ाई कर रही हैं, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस फ़िलहाल AIB का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, मैं रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, इसलिए जो परमानेंट लाइसेंस है वो अभी आने वाला है मेरे लिए, तो मेरे लिए ये जो बीच का वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे आके यहाँ की एम्बियंस को देखते हुए मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ। लॉ में ऑप्शंस बहुत हैं, कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, है ना, हमारे बहुत से जो राष्ट्रपति हुए हैं वो सब LLB थे, मगर आपके पास ऑप्शन है, आप वकील भी बन सकती हैं, एकेडमिशियन भी बन सकती हैं और जुडिशरी में भी जा सकती हैं, क्या इन तीनों तरफ आपका रुझान है या सिर्फ एक सोचा है कि मेरे को पेशेवर वकील ही बनना है? फिलहाल जैसे आपने कहा स्काई इज द लिमिट फॉर दिस प्रोफेशन, तो मैंने कोई भी ऑप्शंस बंद नहीं किए हैं अपने, और क्योंकि इनकी तैयारी बहुत सिमिलर होती है, आप लॉ से ही रिलेटेड होती हैं, तो मेरा ये है कि फ़िलहाल मैं अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करूं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसके लिए मैं खुला रखूं अपने लिए ऑप्शंस को। तो लॉ से रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टैटिक पोस्ट मतलब जो लॉ की बेयर एक्ट्स होती हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है रेफरेंस बुक्स होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हमारे लिए आसान हो जाता है, एक तरह से ये गेटवे की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि बहुत अलग अलग ऑथर्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड बुक्स होती हैं, तो मुश्किल होता है घर पे बैठ के एकदम बुक लेना कि कौन सी लें, तो हम पहले रेफरेंस यहाँ से लेते हैं और फिर कोई किताब हमें ख़रीदनी हो तो हम बाद में उसे ले सकते हैं। से हैं आप जी। तो खासियत क्या है ठियोग की, आपको क्या कुछ अच्छा लगता है ठियोग के बारे में? ठियोग के बारे में जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, और क्या खास है ठियोग के कल्चर के बारे में? ठियोग का कल्चर क्योंकि शिमला के बहुत करीब है तो शिमला से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन वहाँ के जो लोक गीत हैं,
और जो वहाँ का खाना है। सर मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? सिरमौर से रहने वाले। अरे तो चलिए, हमने ठियोग वाले अपने युवा साथियों से बात की और रोहडू वाले लोगों से बात की और अब आप सिरमौर से हैं, तो सिरमौर की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपकी नज़र में? सर सबसे बड़ी खासियत तो हमारा कल्चर ही है। वैसे पूरा हिमाचल में डिफरेंट टाइप का कल्चर है, तो हमारा सिरमौर का जो कल्चर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, हमारे रहन सहन का तरीका। वेद प्रकाश आपने अपना नाम बताया हमें, तो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आके आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके यहाँ पर हैं? मैं पिछले 4-5 महीने से इस लाइब्रेरी का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं पहले तो घर में ही बैठ के तैयारी कर रहा था, फिर घर में थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब मैं यहाँ शुरू में लाइब्रेरी में आया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, यहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव है, तो घर के बजाय मैंने ये सोचा कि लाइब्रेरी को प्रेफर किया जाए तो मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है उससे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात की कैंटीन भी है यहाँ पे। हाँ, कैंटीन, खाने पीने में चाय के दिक्कत नहीं रहती, मिल जाता है सब कुछ, सारी सुविधाएं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि घर से ज़्यादा हम लाइब्रेरी में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब सारी सुविधाएं तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? मैं सर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों बनना चाहते हैं, इतना क्या आकर्षण है इस बारे में? मैं चाइल्ड राइट्स के बारे में काम करता था, तो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना होता था, तो मुझे लगा कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ अगर वो चाहे, बहुत सारे हमने उनके साथ जब इंटरेक्शन होता था तो उनका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता था जैसा आमतौर पर होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये लोग जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और मैं अपने जो अपना पोटेंशियल है वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर अपना पोटेंशियल यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। तो इसके लिए आपने शेड्यूल रखा होगा कि कितना पढ़ना है मुझे दिन में, कितने घंटे पढ़ना है और किस तरह से मेहनत करनी है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, उन युवा साथियों को जो कि प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? टिप्स तो क्या ही दूंगा सर, मैं भी अभी इस परिस्थिति से ही निकल रहा हूँ कि क्या करना, पर मेरे एक टीचर है, उन्होंने कहा था कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तो एक जो कंसिस्टेंसी है वो खुद जब हम पढ़ते हैं तो खुद भी लगता है कि यदि आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ा और 2 दिन की बीच में छुट्टी, कभी काम पड़ जाता है, छुट्टी ले लिया, कुछ कर दिया, तो वो जो है हमें फिर पिछले एक हफ्ते का दोबारा से शुरू करना होता है। तो अगर आप, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली करें। अनुज कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शिमला से ही रहने वाला हूँ, न्यू शिमला में रहता हूँ। तो आपको यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आने का आइडिया कब से आया, कब से आ रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको जो घर में नहीं मिल रही? घर में एक तो कम्फर्ट जोन होता है, आप लाइब्रेरी में आते हो तो आपका एक माहौल बन जाता है लाइब्रेरी में आने का, आपका शेड्यूल बन जाता है, फिक्स हो जाता है, वो सबसे अच्छी बात है लाइब्रेरी आने का। और रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है यहाँ पे, आपको जो भी चाहिए तो आप इशू करवा सकते हो। तो आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ उद्देश्य लेके आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मेरा मेन फोकस तो सिविल सर्विसेज पे है, उसके बाद स्टेट सर्विसेज है, तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मेन फोकस मेरा वही है। तो क्या सब्जेक्ट्स आपने सोचा है, किन विषयों पर कार्य कर रहे हैं? अभी तो सिविल सर्विसेज में पूरी जनरल स्टडीज है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना होता है, और ऑप्शनल मेरा साइकोलॉजी, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जी जी, और मैं साथ साथ में ऑप्शनल का भी तैयारी कर रहा हूँ साइकोलॉजी का, तो उसका काफी रिसोर्सेज है यहाँ पे, अध्यात्म का, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, तो अच्छा। तो साइकोलॉजी, अध्यात्म और मनोविज्ञान में इतनी रुचि क्यों है आपको? अच्छा होता है, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव जानो तो आपको अच्छा लगता है कि दूसरे वाला क्या सोच रहा है, तो इसीलिए मनोविज्ञान मैंने चूज किया था। और क्या हॉबीज हैं, और क्या कुछ करना अच्छा लगता है आपको? हॉबीज तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, थोड़ा फिटनेस में। तो अभी फुटबॉल के जगत में रिसेंटली क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हैपनिंग्स हुई है? कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, फाइनल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब काफी सालों के बाद इतना अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिला फाइनल, तो यही। और आप खुद भी खेलते हैं? अब तो टाइम नहीं लगता है, अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बट हाँ पैशन है। पर आपको ये लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें फिजिकली एक्टिव भी रहना चाहिए? बिल्कुल लगता है, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तभी आप मेंटली भी एक्टिव रहोगे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड ना। तो आपने हमें बताया कि आपको यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, किताबें मिल जाती हैं, माहौल मिल जाता है, मगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो एट अ टाइम सब कुछ पढ़ते हैं तो एक खिचड़ी बन जाती होगी, तो क्या टाइम टेबल रखा है, क्या शेड्यूल है, किस तरह से आप अपने दिनचर्या को नियमित करते हैं? जी मैं अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करता हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन ही पढ़ना होता है आपको, मैक्सिमम यहाँ पर मिल जाता है ऑफलाइन भी, पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा उसमें लिंक्स देखना होता है, न्यूज़पेपर में सब कुछ तो नहीं होता डिफाइंड, तो आपको लिंक्स के थ्रू जाना होता है, तो ऑनलाइन अच्छा रहता है न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद आप जनरल स्टडीज़ का मैं करता हूँ,
यहाँ पर ऊपर रेफरेंस सेक्शन में इशू करवा के बुक्स, उसके बाद साइकोलॉजी का मैं नीचे जाकर पढ़ता हूँ मेन सेक्शन में। आपको लगता है कि ये जो बात कही जाती है अक्सर कि युवा जो हैं वो उनमें रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं, वो बात ठीक नहीं है? आपकी नज़र में युवा पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरीज में आके खूब इस्तेमाल कर रहे हैं जी? तो ऐसा है कि रीडिंग हैबिट्स तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है। सिटिंग कैपेसिटी यू नीड एंड दैट शुड बी ऑफ मिनिमम 6 to 7 आवर्स यू हैव टू गिव एवरी डे, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, यू कांट मिस इट। हमारे साथ प्रियंका हैं, तो प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोटखाई से हैं, तो कोटखाई की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सर वहाँ पे एप्पल्स ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, लोगों का मेन कल्चर यही है कि एप्पल्स। कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वहाँ के लोग क्या वाकई रोज का एक एप्पल खाते हैं और डॉक्टरों से दूर रहते हैं, तंदुरुस्त हैं? हाँ जी सर, फिजिकली फिट होते हैं ना, वर्क भी करते हैं। तो यहाँ वहाँ से आप कोटखाई से यहाँ पढ़ने आई, क्या वजह रही? इस लाइब्रेरी में बैठ के कितना टाइम बिताते हैं? सर मेरा 2 years हो गया है यहाँ पे आते हुए। अच्छा। हाँ जी, और मतलब स्टेबिलिटी रहती है, आप कंटिन्यू आते हो, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना डे सेट करते हो। हाँ जी, तो आप क्या उद्देश्य लेके यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं नेट की प्रेपरेशन कर रही हूँ अभी, साथ में मास्टर चली है मेरी कॉमर्स। हाँ जी, तो आप आगे चल के एक टीचर बनना चाहते हैं कॉमर्स के, तो कितना डिसिप्लिन अपने आप को रखते हैं, क्या कुछ पढ़ते हैं, क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रहता है? सर मॉर्निंग में उठते हैं, योगा वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद लाइब्रेरी रूटीन, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, हर प्रकार की? हाँ जी सर, यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल है जो आपको चाहिए होती है। कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बुक्स वगैरह, तो यहाँ पे इजीली मिल जाती है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसको जो भी पढ़ना होगा। तो अक्सर हम इस दुनिया में आते हैं कि युवा जो हैं वो मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ कम ध्यान देते हैं और पुस्तकें पढ़ने का शौक तो बहुत कम रखते हैं, मगर जब हम इस लाइब्रेरी में आए तो हमने देखा इतने सारे यंगस्टर यहाँ पर हैं। तो आपको लगता है कि लोगों में, युवाओं में रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली अगर जो बच्चे अवेयर हैं कि रीडिंग वगैरह करना ज़रूरी है, वो लोग तो पढ़ रहे हैं। जिसको शौक नहीं हो वो ऑनलाइन मतलब रीड करते हैं, उतना ज़्यादा रीडिंग नहीं हो पाती ऑनलाइन। तो सर रीडिंग हैबिट्स मतलब कंटिन्यू करने के लिए आप डेली रीडिंग कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन युवा साथियों को जो अभी तक इस पुस्तकालय में नहीं आए हैं कि यहाँ पर आएँ और पढ़ाई करें, क्यों करें? सर जब आप लाइब्रेरी आते हो तो आप एक कंटिन्यूटी रहती है, तो जब बच्चा कंटिन्यू लाइब्रेरी आता है तो वो स्टेबल हो जाता है कि अपने टारगेट के प्रति मतलब फोकस्ड हो जाता है। तो कंटिन्यूटी के लिए आना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए आना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक ऐसा जीवन जो समर्पित रहा जनता को, समाज को, देश को, और उन्हीं के नाम पर स्थापित ये राज्य पुस्तकालय अपने नाम को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है। आज के इस अंक में आपने देखा कि किस तरह युवा साथी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पुस्तकों के बीच ज्ञान हासिल करते हुए, और उनके सपने ऊंचे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कोई विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह यहाँ का स्टाफ पूरी सुविधाएँ मुहैया करवा रहा है उन सभी लोगों को जो यहाँ पर आते हैं। तो हम आपसे भी यही उम्मीद करना चाहेंगे कि आप भी पुस्तकों से जुड़ें, इस पुस्तकालय से जुड़ें, और यहाँ पर जो दुर्लभ पुस्तकें हैं उनका लाभ उठाकर अपने जीवन को समृद्ध करें। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे यानी सुमित को इजाज़त। नमस्कार।